हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पुरवार। दोस्तों, सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा ऑफिशियल अपडेट रिलीज हुआ है। बड़ी खुशखबरी है नीट 2021 काउंसलिंग को लेकर। दोस्तों, आपको बता दूं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हर स्टेट के बच्चे के लिए ये इम्पोर्टेंट ऑफिशियल अपडेट है। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं अभी से, तो सभी बच्चे फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि आप नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। पूरी अपडेट दूंगी, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर काउंसलिंग की अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूं कि नीट 2021 काउंसलिंग को लेकर हिमाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें हर स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, यहाँ पर जितनी सीटें हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट, मैनेजमेंट की, हर सीट पर आप हर सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो खाली प्राइवेट और मैनेजमेंट कोटा यानी NRI कोटा की सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो खाली हिमाचल प्रदेश के स्टेट के बच्चों के लिए। इसके लिए जो डोमिसाइल क्राइटेरिया है वो भी मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। 10th और 12th वहीं से पास होना चाहिए और आपके माता पिता 3 साल तक वहीं पर रहे हों, ये आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। लास्ट डेट इसकी 12 दिसंबर है। तो ये फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये लेटेस्ट अपडेट आपको देना था। चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि हर स्टेट के काउंसलिंग की जानकारी आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर मिल सके। थैंक यू।